Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज हम देखेंगे networking के बारे में और networking में switch क्या होता है और router क्या होता है इसको समझेंगे और दोनों के बीच में क्या difference है ये जानेंगे. तो चलिए start करता हूँ इस video को और सबसे पहले हम देखेंगे switch और router ये होता क्या है. देखिए तो switch और router जो होता है ना कई सारे computers को आपस में connect कराने के लिए use होता है. कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट कराया जाता है उसे हम नोड भी बोलते हैं. तो नोड कहिए या कंप्यूटर्स कहिए, या कंप्यूटर के अलावा प्रिंटर्स को भी आपस में कनेक्ट कराया जाता है, स्कैनर्स को भी आपस में कनेक्ट कराया जाता है. तो इन सब के लिए हम स्विच और राउटर का प्रयोग करते हैं. अब दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, खासतौर पर अगर आप ओ लेवल का पेपर दे रहे हैं तो कभी कभी ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि स्विच क्या होता है या राउटर क्या होता है, या CCNA के एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछा जाता है कि ये स्विच और राउटर का कॉन्सेप्ट की क्या होता है, ये कैसे यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है. तो चलिए ये देखते हैं. देखिए स्विच जो है, स्विच वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल. अगर आपने OSI मॉडल पढ़ा है जिसका मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI का मतलब होता है, तो ये मॉडल जो है एक रेफरेंस मॉडल था, समझने के लिए बनाया गया था कि डेटा का कम्युनिकेशन किस प्रकार से नेटवर्क पर होता है, इसको समझने की जरूरत पड़ी तो OSI मॉडल बनाया गया. तो OSI के डेटा लिंक लेयर पर ये काम करता है. ओके, OSI के डेटा लिंक लेयर पर ये काम करता है. अब इसमें एक मल्टी लेयर्ड स्विच आती है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है. ठीक है, और अब बात कर लेते हैं राउटर की. तो राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है. देखिए OSI लेयर में, OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं. ठीक है, मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा जब OSI पर वीडियो बनाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि OSI के फॉर्मूले को किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला लेयर जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है, दूसरा लेयर होता है जो वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, तीसरा लेयर सेशन लेयर होता है, चौथा लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, पाँचवा लेयर नेटवर्क लेयर होता है. ठीक है, और छठवा लेयर डाटा लिंक लेयर होता है. तो ये जो है स्विच जो है डेटा लिंक लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है. इसी तरह से राउटर जो है OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे डिफरेंस के बारे में. तो स्विच का रेंज जो है ना, स्विच जनरली लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है. लैन जो है, लैन के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है, यानी एरिया जो है इसका छोटा होता है. राउटर जो है वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, राउटर यूजेज IP, यानी IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को यूज़ करता है राउटर. ठीक है, तो राउटर जो है ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, और स्विच को जो है मल्टीकास्ट के लिए यूज़ करते हैं हम. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपको. पहले ये देख लेते हैं थर्ड इसका जो डिफरेंस है. स्विचेस यूज मैक एड्रेस, मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को ये यूज़ किया करते हैं स्विचेस, और इनमें जो पोर्ट होते हैं वो 8, ठीक है, 16, 24 या 48 पोर्ट हो सकते हैं. मतलब कि इतने हम नोड्स को कनेक्ट करा सकते हैं. ठीक है, पोर्ट्स के जरिए इनमें पोर्ट्स दिए होते हैं. ठीक है, जिनमें पीछे हम जो है पीछे उसमें प्लग इन करके और कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराते हैं तो उसमें पोर्ट दिए गए रहते हैं, तो उन पोर्ट्स को हम कनेक्ट करा सकते हैं. पोर्ट्स के जरिए हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा सकते हैं, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और नंबर ऑफ पोर्ट्स के जरिए, ये देखिए पोर्ट्स के नंबर कितने हो सकते हैं, या तो 8, 16, 24 या 48 हो सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं राउटर पर. तो राउटर क्या यूज़ करता है, देखिए ये दिया हुआ है, राउटर जो है वो IP एड्रेस को यूज़ करता है, जबकि स्विच क्या यूज़ करता है, मैक एड्रेस यूज़ करता है. ठीक है, मैक माने मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और IP माने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ठीक है, अब स्विच जो है वो एक ही नेटवर्क पर काम कर रहे कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा सकता है. चौथा अंतर देख लीजिए इसका लास्ट. ठीक है, एक ही नेटवर्क पर काम करने वाले बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा सकता है स्विच. लेकिन अगर बात करते हैं राउटर की, तो राउटर जो है अलग अलग नेटवर्क्स पे काम करने वाले बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा सकता है. अच्छा, इसी कारण से स्विच को हम क्या कहते हैं, स्विच को हम बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइस. ठीक है, और
जो ये राउटर है इसको बोलते हैं हम इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, और स्विच और राउटर में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अन्य के साथ, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।